नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, बिहार के नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों और तमाम तरह के शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ खबरें निकल कर आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को जल्द अब ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा, इसको लेकर आज सोमवार को बड़ी बैठक पटना में हो रही है, जिसमें सभी डीओ और डीपीओ के साथ साथ एसीएस एस सिद्धार्थ भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि एक से दो दिनों में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जाएगा और दो चार दिन उनका देखा जाएगा और उसके बाद में फिर आवेदन लिया जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन कई उलझने भी हैं, उन उलझनों से अगर निपटारा हो जाता है तो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। हालांकि सॉफ्टवेयर बनकर तैयार है, आवेदन भी ले लिए जाएंगे, लेकिन उलझनों से अगर निपटारा नहीं होता है तो फिर से एक बार ट्रांसफर और पोस्टिंग लटक जाएगा। आखिरकार बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर कैसे होगा, अभी उनका 2 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, यह भी मैटर लटका हुआ है। जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों में महिला शिक्षकों को जो डिफेंस दिया जा रहा है पंचायत स्तर पर, उन्हें रखने के लिए अपना पंचायत, मैके का पंचायत तो जहां पदस्थापित है वहां पंचायत छोड़कर अन्य पंचायत में करने के लिए, वह भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। और एक बार 2 लाख के करीब शिक्षकों को, 2 लाख से ज्यादा मैंने 2.5 लाख कहिए, अगर बीपीएससी के शिक्षकों को भी ले लें ट्रांसफर को लेकर, तो 2.5 लाख के करीब शिक्षक जो हैं उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा, एक बार कैसे संभव है, इसको लेकर कई मामले पेचीदा हो रहे हैं। फिर भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है और ऐसा माना जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। वहीं वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में ही होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग, विभिन्न अखबारों में भी इस सिद्धार्थ का बयान छपा है। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने एक वीडियो रिलीज कर यह खास संदेश दिया है और उसके बाद अखबारों में भी खबर छपी है, 31 दिसंबर तक नए स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन की तैयारी है, स्थानांतरण पदस्थापन को अगले हफ्ते लॉन्च हो सकती है वेबसाइट यानी सॉफ्टवेयर, रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा स्कूलों का आवंटन। आपको बता दें कि बिहार में सरकारी स्कूलों में स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में ही होगी, 31 दिसंबर तक नए स्कूल में शिक्षकों की पोस्टिंग की तैयारी है, शिक्षकों को रैंडमाइजेशन के आधार पर स्कूलों का आवंटन होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के मुताबिक शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अगले हफ्ते में वेबसाइट लॉन्च हो जाएगा, इसके बाद शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, इसके लिए आवेदन का फॉर्मेट भी शिक्षा विभाग जारी करेगा। महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10 पंचायत के ऑप्शन लिए जाएंगे, असाध्य रोग से ग्रस्त शिक्षकों से भी पंचायत के ऑप्शन लिए जाएंगे, पुरुष शिक्षकों से ऑप्शन के रूप में 10 अनुमंडल लिए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग की संपूर्ण प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। वहीं इसमें और बता दें कि सरकारी स्कूलों में अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर होगा जोर, डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना है शिक्षक 100% आने लगे हैं, कुछ नहीं भी आते वो भी आएंगे, लेकिन बच्चों की उपस्थिति जो है वह निंदनीय है, यानी कि संतोषजनक नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। वहीं बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर भी खास पहल किया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि सभी स्कूलों में वर्क टॉपर निर्धारित करने पर भी विचार, डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में हर परीक्षा के वर्ग टॉपरों का नाम घोषित किया जाए, कौन पहला दूसरा तीसरा स्थान पर रहा या फिर किस बच्चे का स्थान क्या रहा, इसी तरह विभाग ने हर माह हर प्रखंड में से एक एक शिक्षक को पुरस्कृत करने की योजना बनाई है। इसके तहत हर माह 534 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा, यानी पुरस्कार मिलेगा। वहीं बच्चे पोशाक में स्कूल का रहे या नहीं करे निगरानी, डीओ ने सभी बीओ और
बीआरपी और बीपीएम को जारी किया निर्देश। छठी से आठवीं तक के गणित व विज्ञान के विज्ञान में पाठ आधारित प्रोजेक्ट पर भी जोर दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से डीओ कार्यालय सभागार में भागलपुर में बीते शनिवार को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला सह समीक्षा बैठक भी की गई। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि पुरुष शिक्षकों की भी गृह अनुमंडल में हो पोस्टिंग संघ ने मांग किया है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में शिक्षक संगठनों ने संशोधन की मांग की है। बिहार युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर ट्रांसफर पॉलिसी में पुरुष शिक्षकों का भी उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि आठ जिलों में एक ही अनुमंडल होने के कारण इन जिलों के शिक्षकों को अपने गृह जिले से दूर के जिले में जाने की बाध्यता होगी। ऐसे में ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ पुरुष शिक्षकों को नहीं मिल सकेगा। अगले सप्ताह शुरू होने वाली ट्रांसफर पोस्टिंग में पुरुष शिक्षकों को गृह अनुमंडल से बाहर पोस्टिंग करने की बात शिक्षा विभाग ने की है, आप जान चुके हैं। वहीं अगले वर्ष रेलवे 50,000 पदों पर बहाली भर्ती कैलेंडर जल्द जारी होगी। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आएगा। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से अगले साल करीब 50,000 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए जल्द ही रेलवे बोर्ड की कह सकते हैं कि रेलवे बोर्ड की ओर से भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर लेवल 1 ग्रुप डी आदि पद इसमें शामिल है। ग्रुप डी के लिए करीब 15,000, एनटीपीसी के लिए करीब 10,000, टेक्नीशियन व जूनियर इंजीनियर के लिए 5,000 रिक्त पदों पर नई नियुक्ति होगी। 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी एनटीपीसी व ग्रुप डी के लिए होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। रेलवे बोर्ड की भर्ती बोर्डों के रिक्त पदों की रिपोर्ट की मांग की है, जिसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर के अलावा देश के अन्य भर्ती बोर्डों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सोनपुर और समस्तीपुर रेलखंड जो है रेल मंडल से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। पूर्व की तरह सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। हर 2-3 माह पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होगा। प्रत्येक चरण की परीक्षा के लिए किसी एक भर्ती बोर्ड को नोडल बोर्ड बनाया जाएगा। फिलहाल रेलवे में 45,708 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। वहीं आपको अगली खबर यह निकल कर आई है कि निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी पर एचएम होंगे जिम्मेदार। एसीएस और अपर सचिव की शक्ति के बाद विभिन्न जिलों में जिला शिक्षा विभाग भी निरीक्षण को लेकर गंभीर हो गई है। अपर सचिव के निर्देश के बाद कई तरह के जांच भी चल रहे हैं। साफ शब्दों में चाहे वो डीओ हो, डीपीओ हो या पीई हो, शिक्षकों को बता दिया है कि आप अपने स्कूल को व्यवस्थित रखें, साफ सुंदर बनाकर रखें, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, बच्चे यूनिफॉर्म में हो, आप क्लास रूम में जाएं तो पाटिका आपको लिखी होनी चाहिए और क्लासरूम में प्रवेश के साथ ही श्याम पट पर विषय का नाम, दिनांक और जो पाठ पढ़ा रहे उस पाठ का भी नाम अंकित करें और बच्चों की डायरी पर विशेष ध्यान दें। बच्चे जो डायरी दिया गया है उस डायरी पर आप देखें और साइन करें। अभिभावकों का भी साइन करवाने के लिए बच्चों को प्रेरित करें और होमवर्क जरूर दें। होमवर्क पर बहुत ज्यादा जोर शिक्षा विभाग की ओर से है। इधर बता दें कि हर साल प्रशिक्षण की तैयारी, अपर मुख्य सचिव ने बताया कि शिक्षक बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सके इसको लेकर भी कार्य योजना बनाई गई है। इसके तहत सारे शिक्षकों को हर साल प्रशिक्षण देने की योजना है। यह प्रशिक्षण उनके जिलों में ही दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों की जरूरतों का आकलन भी किया जाएगा, उन्हें किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कैसे बेहतर होगा, इस पर भी बेहतर करने के लिए आगे बातें होगी। वहीं विद्यालय में अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर होगा जोर, सिद्धार्थ ने कहा है। अपर मुख्य सचिव बोले, समय से पूरा होंगे बच्चों का पाठ्यक्रम, उच्च कक्षाओं में छात्र छात्राओं को मिलेगी स्किल ट्रेनिंग, मार्च तक स्कूलों में दूर हो जाएगी संसाधनों की कमी। पटना से एक खबर निकल कर आई है, आपको बता दें कि राज्य बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभियान भी चलेगा। विद्यालय में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का पाठ्यक्रम समय से पूरा हो, ये बातें जो है शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कही है। ये बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वर्तमान दशा और सुधार विषय पर लाइव में यह बातें कही गई है। उन्होंने कहा कि
उन्होंने बताया कि अगले मार्च तक सरकारी स्कूलों में सभी प्रकार के संसाधनों की कमी पूरी हो जाएगी, जिसमें टॉयलेट, कंप्यूटर सेंटर एवं वर्ग कक्ष की भी शामिल होंगे। अभी जमुई के जिस स्कूल में वे गए थे वहां दो ही कमरे में 12 कक्षाएं संचालित होती है। यह स्थिति संसाधनों का पूरा होने के बाद स्कूलों में नहीं होगी। अब स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति 100% रहती है। युवा शिक्षक मेहनत और लगन के साथ पढ़ा रहे हैं। शिक्षक कार्य में पुराने शिक्षकों की सक्रियता तो है ही। सभी सरकारी स्कूलों में नीचे की कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है, लेकिन ऊंची कक्षाओं में छात्राओं की उपस्थिति संतोषजनक नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऊंची कक्षाओं में छात्राओं की स्किल ट्रेनिंग पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है। आपको बताते चले कि नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने का कार्य चल रहा है। पाठ्यक्रम रुचिकर होने से भी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी, बच्चे स्कूल आएंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में मिड डे मील का बड़ा योगदान रहा है, या उन्होंने माना है। स्कूली शिक्षकों के लिए हर साल 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। अब वैसे शिक्षक भी चिन्हित किए जाएंगे जिन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा कोष के माध्यम से सभी प्रकार की गतिविधियां एक साथ डिजिटलाइज हुई है, जिसमें यह भी पता चलेगा कि किस स्कूल में किस शिक्षक ने किस बच्चे को पढ़ाया, किन किन स्कूलों में बच्चों की कक्षावार पढ़ाई की स्थिति बेहतर रही है। ई सर्विस बुक, अब हर शिक्षक का सेवा इतिहास भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो बड़ी पहल हो रही है शिक्षा विभाग की। वहीं खेल क्लब का स्कूलों में कार्यालय खुलेगा। आपको बता दें कि बिहार के 8063 पंचायतों में खुलने वाले खेल क्लब के तहत आने वाले स्कूलों में कार्यालय खुलेंगे। यहीं से हर तरह की खेल सुविधा और मदद मिलेगी। यह जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्र शंकरन ने दी। वहीं खेल क्लब का बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के साथ संबंधीकरण की तिथि 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक विस्तारित कर दी गई है। तो यह स्कूलों में कार्यालय खोलने की बात हो रही है। तो आज खबरों में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और उससे पहले आपसे कहना है कि वीडियो पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, क्या कुछ है शिक्षा विभाग में और जानकारी चाहिए शिक्षा विभाग में, और क्या कुछ चल रहा है जो आप तक है सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, कॉमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।